यहां कोई मित्र नहीं है, कोई आश्वस्त चरित्र नहीं है, सब अर्धनिर्मित है। अर्धनिर्मित इमारतें हैं, अर्धनिर्मित बच्चों की शरारतें हैं, अर्धनिर्मित जिंदगी की शर्तें हैं, अर्धनिर्मित जीवन पाने के लिए लोग रोज यहां मरते हैं। अर्धनिर्मित है यहां के प्रेमियों का प्यार, अर्धनिर्मित है यहां मनुष्यों के जीवन के आधार। आज का दिन अर्धनिर्मित है, ना धूप है ना छांव है, मंजिल की डगर से विपरीत चलते पांव है। अर्धनिर्मित सी सेहत है, ना कभी देखा निरोगी काया को, ना कभी दिल से कहा अलविदा माया को। हमारी अर्धनिर्मित सी कहानी है, अर्धनिर्मित हमारे युवाओं की जवानी है। हम रोज एक अर्धनिर्मित शैया पर लेटे हुए एक अर्धनिर्मित सा सपना देखते हैं। उस सपने में हम अपनी अर्धनिर्मित आकांक्षाओं को आसमानों में फेंकते हैं। आसमान को भी इन आकांक्षाओं को समेट कर अर्धनिर्मित होने का एहसास होता होगा, क्योंकि आकांक्षाएं हमारी नहीं आसमान की हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अर्धनिर्मित गाथा तुम्हारी है और आयुष्मान की। अगर मैं कहूं कि मुझे पता है कि आपके घर में एक पनिशमेंट रूम है, ये किसने बता दिया आपको? पनिशमेंट रूम, वो पनिशमेंट रूम वो ऐसा इसलिए था कि ड्राइंग रूम के बगल वाला रूम था, छोटी सी लॉबी बनी हुई थी सेक्टर 2 पंचकुला में, जहाँ पे जहाँ से हम हैं, तो जब भी कुछ गलत काम मैं और मेरा भाई करते थे तो वहाँ पर जाके मैं थप्पड़ लगाए जाते थे। मतलब कोई मेहमानों के सामने कुछ गलत बोल दिया, कुछ मतलब जैसे मेहमानों से पहले हमने कुछ खाना खा लिया। अच्छा, जो चीज़ लिविंग रूम में सबके सामने सरेआम नहीं हो सकती, वो साइड पे जाके बोलते आपसे बात करनी है 2 मिनट। अच्छा, वहाँ पे आएंगे थोड़ी देर, तो बड़े एक तमीज़ से वहाँ पर एक फेस स्ट्रेट फेस के साथ ले जाते थे अंदर, और हम स्ट्रेट फेस से अंदर आ जाते थे कि कुछ नहीं हुआ है, जैसे अंदर कुछ नहीं हुआ है, हम बाहर, वो हमारे बीच की बात है, पापा और हमारे बीच में, कि एक पड़ गई है, आगे से होगा, हमें पता होगा, उनको लगता नहीं होगा, और फिर से अंदर बुलाया जाएगा। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारी कॉलीग हैं, स्लो इंटरव्यू टीम की हिस्सा हैं जी, चारू टंडन, वो आपके पड़ोस में रहती हैं, तो आपके पेरेंट्स से मिल के आई वो। अच्छा, 2 घंटा उनके साथ बैठ के आई। अच्छा, ये रिसर्च है आपकी? ये हाँ। तो मतलब मुझे नंगा कर दिया है यहाँ पे। सो हाउ वाज ग्रोइंग अप? आप एक बॉय स्कूल में थे, अलग बात है। मैं एक्चुअली 7th क्लास तक कोएड में था। अच्छा। मैंने काफी स्कूल बदले। अच्छा। शुरुआत एक ऑल गर्ल स्कूल से हुई थी, क्योंकि वहाँ का प्रेपरेटरी जो है वो कोएड था। अच्छा। तो कॉमन कॉन्वेंट स्कूल था चंडीगढ़ का, है अभी भी। राइट। तो उसका प्रेप जो है नर्सरी तक इट वाज कोएड, उसके बाद ऑल गर्ल्स हो जाता था। ओके। फिर मैं वहाँ से गया सेंट स्टीवंस, फिर एक होली चाइल्ड स्कूल पंचकुला में, फिर उसके बाद सेंट कबीर था, फिर 8th, 9th, 10th मैंने ऑल बॉयज़ में किए। बेसिकली जब आपके हॉर्मोन्स उछलने शुरू होते हैं, तब से मैं ऑल बॉयज़ में आ गया था, जो बहुत ही दर्दनाक था। बाकियों को पता ही नहीं था, जो मेरे बाकी क्लासमेट्स थे तो मुझसे पूछते थे कैसा लगता है यार कोविड स्कूल में रहकर। अच्छा। मैंने कहा यार मैं बर्बाद हो गया यहाँ पर आकर, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इधर। लेकिन अब सेंट जॉन्स लाइक वाज द बेस्ट स्कूल इन चंडीगढ़, कॉन्वेंट स्कूल है। 3 साल काटे ऑल बॉयज स्कूल में, फिर 11th, 12th और ग्रेजुएशन ऑल बॉयज कॉलेज में। तो मतलब जितने भी जो उफान वाले जवाने के दिन थे वो हमने ऑल बॉयज में जेल में बीते। और पर इसी बीच 11th, 12th स्टैंडर्ड में मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरी वाइफ है अब, तो वो मिल गई थी। वो कैसे मिली? फिजिक्स ट्यूशन पे आती थी। अच्छा। तो वहाँ मिली थी और फैमिली फ्रेंड्स थे हम। और चंडीगढ़ इट्स अ लवली सिटी, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटा शहर और थोड़ा सा बड़ा शहर मिलते हैं उस जगह। yeah. लड़के लड़कियों के मिलने की आज़ादी या उस पर नज़र में आना,
What about all that? Chandigarh is a student city. Like right. you have students from Punjab, Haryana, Himachal, everywhere. जो तो students बाहर से आए हैं वो तो खुलेआम घूम सकते हैं. उनको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन of course you're born and brought up in Chandigarh. Everybody knows everybody. तो आप वो नहीं कर सकते. तो आपको हमेशा ना एक आपका best friend साथ होता है, उसकी best friend साथ में होती है. पर दोनों भी साथ में नहीं हो सकते, वो couple लगते हैं. और हमेशा ऐसे ही होता था कि वो जो तीसरा आदमी होता था ना, वो कहता था बस करो यार, मैं मेरे मुझे इस्तेमाल करना बंद कर दो, मुझसे ये नहीं होगा. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट रिलेट टू इट. हमेशा ऐसे ही होता है. आई डू. हां तो आप ऑफ कोर्स. आई डू. तो ये ऐसा रहा, डेटिंग ऐसी रही, मतलब हमेशा कोई ना कोई साथ में होता था. सो यू वर बोर्न इन चेन्नई. या सो हाउ वाज चाइल्डहुड? मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था. I live in the past. मुझे कभी ऐसा लगता है, probably I'm an old soul. मैं बहुत ही nostalgic हूँ. चाहे कुछ भी चीज़ें हों बचपन की, मैं मुझे खूबसूरती लगी है. मैं ज़िंदगी का एक नज़रिया बहुत पॉजिटिव रखता हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने, ऑफकोर्स लोगों ने बुली भी किया है, मैंने भी बुली किया है, जैसे हर बचपन में होता है वैसा एक साधारण सा बचपन था. और हर तरह के लोगों से मिला हूँ, सबसे अच्छी बात यह है अपने बचपन में. चाहे हर तबके के लोगों से, बच्चों के साथ खेला हूँ, और चाहे अमीर हो गरीब हो, उससे आपके आई थिंक होराइजन खुल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जितने भी एक्सपीरियंस होती हैं ज़िंदगी में, वही आप आर्टिस्ट हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपनी कला में. बिल्कुल. एंड देन यू वर अबाउट टू बिकम अ डेंटिस्ट. यप. किस्मत का जो फेर. ये ऐसा हुआ था, जब मैं बचपन में ना, मेरे दांत ये यहाँ था, ये यहाँ था, मेरे बाक टीथ थे दो ऐसे. अच्छा. तो उसके चक्कर में हमें डेंटिस्ट के पास लेके जाते थे, ब्रेसेस लगा दिए थे. तब मेरा अचानक ही उसके बाद दो साल बाद परफेक्ट सेट ऑफ टीथ हो गए थे. लेकिन वो जो प्रोसेस था दो साल का ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था. एक आप जब भी डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाते हैं, एक खुशबू सी होती है अजीब सी. आप पहचान जाते हैं कि ये वो, जिससे आप वो कुल्ला भी करते हैं. एंड यू जस्ट फील कि आप आ गए हैं इस दुनिया में. और अचानक ही आपका दांत अपने आप ही दर्द, दिल भी दर्द करने लगता है. तब मैंने सोचा था कि मैं डेंटिस्ट बन जाऊँ. अच्छा रहे पढ़ाई में. पढ़ाई में मैं स्कूल में अबव एवरेज रहा हूँ. कॉलेज में बहुत अच्छा हुआ था. एक इमिजिएटली आफ्टर गिविंग माई कर्नाटका सीईटी, जब मैंने चेंज ओवर किया कि अब मुझे मेडिकल नहीं करना है, मुझे आर्ट्स करना है. या कोएड सेटअप में पहुँचने के बाद जो नई ऊर्जा. नहीं, वो भी ऑल बॉयज. कोएड होता तो शायद ऊर्जा कहीं और खर्च हो जाती सर. तो बहुत ही आई वॉज वेयरिंग दीज ब्लाइंडर्स. हाँ तो वहाँ पर एक मैंने पापा बोला, पापा मैं आर्ट्स कर रहा हूँ. कहते और मैं थिएटर में एक्टर बनना चाहता हूँ, बोल दिया मैंने. मुझे एक्टर बनना है, मैं आर्ट्स कर रहा हूँ. मुझे पता है 11th 12th में जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहा था, मैं हमेशा ऑडिटोरियम में जाकर देखता रहता था कि जो थिएटर एक्टर्स क्या कर रहे हैं. अच्छा. थिएटर एक्टर्स कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनको परवाह नहीं है बाहर क्या हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं. तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो चीज़ें. तो मैंने बोला पापा मैं मुझे एक्टर, मुझे थिएटर करना है. पापा कहते बेटा आप तो फिर ज़िंदगी में कमाओगे कैसे, आपकी ना शादी होगी, आप रोज़ समोसे और चाय के साथ ऐसी बस वेले बैठे रहोगे. right. कुछ काम नहीं करोगे. तो कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, आप थिएटर करो और सिर्फ आर्ट्स करो. तो दो शर्तें रखेगी, एक कि आपको अटेंडेंस पूरी रखनी है कॉलेज में, और दो आपको कॉलेज में टॉप करना है, तभी आप थिएटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते. तो आई वॉज द ओनली वन इन माई थिएटर ग्रुप हु यूज़ टू अटेंड ऑल द क्लासेस, एंड आई कंसिस्टेंटली टॉप्ड ऑल थ्री इयर्स इन कॉलेज कि मैं थिएटर कर पाऊँ. लाइक आई होप इस बार सही लाए. वाह, तुम तो पूरा का पूरा विकेट उठा के ले आए यार. मुझे अभी याद है आपका जिंगल था, यादों के एडियर बॉक्स में क्या क्या चलता है. वो आपको आप मानेंगे नहीं, जब आपका शो आता था ना, मैं घर पहुंच चुका होता था, गाड़ी पार्क्ड, मैं सिर्फ रेडियो सुनने के लिए नीचे वेट कर रहा हूँ, फ़ोन आ रहे हैं जल्दी आ जाओ ऊपर, नहीं मुझे ये सुन के आना है. तो ऐसा हुआ था. उसकी वजह से शुभ मंगल सावधान में आपका वीडियो आया है, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के प्रोमो में आपका वीडियो यूज़ किया है. तो दैट शोज़ योर पावर एज एन आर्टिस्ट. तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहे? बहुत रहे. लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जब मैं अपने मास कॉम के बाद जर्नलिज्म जब कर रहा था चंडीगढ़ से, तो हम एक प्ले कर रहे थे, प्ले का लीड एक्टर मैं था. तो
वो प्ले अभी जाने वाले थे, हम करने जाने वाले थे, पर वही आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ सबैटिकल फॉर लाइक 6 मंथ्स, अ ईयर, 2 इयर्स मे बी. आई थॉट ऑफ दिस इज व्हेन 2006 मैंने सोचा मैं रेडियो, मैं थिएटर करूंगा, एक सर्वगुण संपन्न अभिनेता बनकर मैं मुंबई जाऊंगा, हॉर्स राइडिंग सीखूंगा, काफ़ी कुछ सीख कर जाऊंगा, तैयारी के साथ जाऊंगा. कभी कभी आपको खुद नहीं पता होता आप तैयार हैं. आप बहुत, यू ऑलवेज सेल्फ क्रिटिकल एज एन आर्टिस्ट, आप चाहते हैं कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने ऊपर, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये पापा ने जो मेरा बोरिया बिस्तरा बांधकर घर से निकाल दिया था मुझे. पापा ने निकाला? पापा. अच्छा. ने. लोग भाग कर एक्टर बनते हैं. मुझे भगाया गया था कि अब तुम तैयार हो, ये सही समय है. वैसे मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, ये सही समय है. पता नहीं उनकी एस्ट्रोलॉजिकल ब्रेन था या फिर उनका विवेक फादर, हाँ, कि अब सही टाइम है जाने के लिए. अगर अब तुम रुक गए यहाँ पर, यहीं रुके रहोगे. तो मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं थी बॉम्बे में, मुझे स्ट्रगल करने भेज रहे थे, मुझे कोई जानता भी नहीं था. तो वो जो है, वो डिसीजन जो था, मैं लड़ सकता था कि नहीं पापा मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी ये प्ले करना है. एक आप ऑब्वियसली जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, मेहनत कर चुके हैं एक थिएटर, एक प्रोडक्शन पर, बिल्कुल, तो आपकी विजडम यही कहती है कि आप ये प्ले करने के बाद चले जाओ, राइट, 6 महीने बाद चले जाओ. तो ही वाज लाइक, एक अभी मोमेंटम बना हुआ है, आपके एग्जाम कल खत्म हुआ है, ये अगर 6 महीने आपने ऐसे ही निकाल दिए ना, तो आपकी बॉडी का जो मोमेंटम खत्म हो जाता है, राइट, ऊर्जा खत्म हो जाती है. तो मुझे भेज दिया गया. वहाँ पर जाने के बाद आई हैड नो वेयर टू स्टे. अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड, मुझे याद है कि उसका एक रूम था वहाँ पर, और मुझे नहीं पता था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रह रही है. Oh. वो एक ही रूम था, एक ही रूम में साइड पे किचन थी, और वहीं पे हमें रहना था, और दोनों लड़के बैठे हुए थे उस दिन. तो मुझे उनके बीच में सोना पड़ा सर. मतलब क्वीन साइज बेड में, बीच में मैं हूँ, यहाँ पे वो है, उसकी गर्लफ्रेंड है. मुझे पूरी रात नींद नहीं आई. मैं शॉर्ट इमेजिन कर रहा हूँ. हाँ. मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल. सुबह सुबह मैंने कपड़े पैक किए, एक और मेरा दोस्त था सिद्धार्थ कपाथिया, वो MBBS कर रहा था, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड ऑफकोर्स, PCB मेरे दोस्त सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले थे, केम हॉस्पिटल लोअर बरेल में, वो MBBS कर रहा था. तो वहाँ पे उसके हॉस्टल में मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, जब तक मुझे काम नहीं मिलता मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ. कहते अलाउड तो नहीं है वैसे, तुम तो मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हो, तुम एक्टर बनने में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कोई एक्टर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा हो. तो वहाँ पे बस हम तीन लड़के थे, एक छोटे कमरे में कच्छों में सोते थे हम. गर्मी बहुत थी मुंबई में, तो सब अंडे में सो रहे हैं, पड़े हुए हैं, सुबह सुबह वही लाइन लगा रहे हैं वॉशरूम की तरह, कपड़े सुखा रहे हैं, खुद कपड़े धो रहे हैं, मेस में जा रहे हैं. तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी वो. क्या एक पैम्पर्ड जिंदगी से आए थे आप? मैं आई थिंक एक बहुत ही बैलेंस जिंदगी. पापा मम्मी तो चलो बहुत ही प्यार करती हैं दोनों से, वो पैम्पर ही बहुत करती हैं. पापा वॉज द डिसिप्लिनरी, तो उन्होंने मेंटेन रखा वो कि यार कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर में एसी नहीं दिया हमारे रूम में जैसे. कहते आपको एसी नहीं मिलेगा, आपको कूलर मिलेगा, अफोर्ड कर सकते थे. ही वाज ऑलवेज वेल टू डू, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किए जिंदगी में, अफोर्ड नहीं दिया एसी. कहते आप एसी में नहीं सोओगे, आपको कूलर मिलेगा और साइकिल से जाओ, मैं ड्रॉप करने नहीं जाऊंगा स्कूल, स्कूल बस से जाओ या लोकल बस से जाओ या साइकिल से जाओ, मैं नहीं जाऊंगा ड्रॉप करने. जितने भी अमीर फैमिली के थे उनकी गाड़ियां आती थी, और गाड़ी हमारे पास भी थी, ड्राइवर भी था, नहीं छोड़ने जाते थे. तो ये एक उनका अपना एक तरीका था balance. हाँ, बैलेंस करने के लिए. उसने आपको तैयार किया उस लाइन में लगने के लिए? बिल्कुल. तो ये स्ट्रगल की कहानियाँ जो हम सुनते हैं, स्ट्रगल अगर आप उसे स्ट्रगल समझें, करेक्ट, तो आप तो एक्चुअली सक्सेस को भी स्ट्रगल मान सकते हैं. इट्स जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड. बहुत खूबसूरत बात. मतलब मुझे लगता है मैं कभी स्ट्रगल सोची नहीं हूँ. जब हम सब कॉलेज के लड़के थिएटर करने जाते थे मुंबई में, IIT पवई फेस्टिवल में, मूड आई में पार्टिसिपेट करने जाते थे, तो हम या बिट्स पिलानी में जाते थे, ओएसिस शायद फेस्टिवल का नाम है उनका, तो हम हर कॉलेज फेस्ट में जाते थे, लोकल ट्रेन, लोकल बसेस से ट्रैवल करते थे, स्लीपिंग बैग लेके जाते थे, प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे. मतलब आई वाज क्वाइट वेल टू डू, लेकिन ऑफ कोर्स आपका ग्रुप है जो आप कर रहे हैं वही करोगे ना आप, तो वो आदत आपको डली हुई थी.
तो अपनी तरह से लोग स्ट्रगल बोलेंगे, कोई और इसे ग्लोरीफाई करके स्ट्रगल कहानी बता सकता है कि मैं अपने दोस्त के पास एक कमरे में रह रहा हूँ, एक छोटे कमरे में तीन लड़के रह रहे हैं, उनके लिए वो स्ट्रगल है, मेरे लिए वो स्ट्रगल नहीं थी, यात्रा है, वो यात्रा है। और मैं उसको बहुत ही रोमांटिसाइज करता था उस टाइम पे भी, यार कितना मज़ा आ रहा है, मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ, कभी कभी लैब कोट पहन कर मैं कॉलेज में एंटर या एग्जिट करता था ताकि लोग मुझे सोचे कि मैं डॉक्टर लगता था, चश्मा था, मेरी वैसे कुछ बॉडी भी नहीं थी कि मैं लोगों को कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर से लोखंडवाला में लगते हैं ना जैसे कि ये एक्टर बनना चाहता है, तो मुझे देख के लगता ही नहीं था, जैसे मैं बातचीत करता था लोगों को लगता था कि चलो या शायद जर्नलिज्म का स्टूडेंट है या शायद क्या मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है, बिकॉज मेरी मेडिकल बैकग्राउंड भी था। इसकी साउंड आ रही है आपको, कम आ रही है ना, प्लस आप माइक नहीं है ना, है फिर आ रही है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, ओ फूल तुम गुलाब का, क्या ख्याल आपका, ये अदा है या बहार है, आज दिल की बेकही आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है, दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, ओ अगला कौन सा गाना था, पहला ये भी नहीं था, पहला यही था एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, अरे जाना ओ मेरी जाना, मैं हूँ तेरे ख्वाबों का राजा, अरे लैला ओ मेरी लैला, आजा मेरी बाहों में आजा, शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो हो ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता, हो माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता, मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। बंबई शहर अपने आप को थर्ड पर्सन में रिफर करना सिखा देता है कई बार जी, रिश्ते असली नहीं रह जाते कई बार, ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं, बट मतलब मैं आपको थोड़ा ही जानता हूँ थोड़ा, बट आई सी यू एज वेरी रियल स्टिल। मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ था, अच्छा, जब मैं एक रियलिटी शो था पॉप स्टार्स, आई वॉज 17 दैट टाइम, 17 या 18, और आई वॉज द ओनली गाय फ्रॉम चंडीगढ़ गॉट सेलेक्टेड इन दैट रियलिटी शो, 2002 की बात है, 2003 की बात है, तब दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट स्टार्ट गेटिंग अटेंशन फ्रॉम गर्ल्स अपार्ट फ्रॉम माई गर्लफ्रेंड, तो तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं स्टार हूँ चंडीगढ़ का, कॉलेज में था, गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन, ब्रेकअप कर दिया था मैंने, तो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, उस दौर से गुजरा हूँ जब बोलते हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया, मेरा हुआ है दिमाग ख़राब, उम्र ही ऐसी थी, एंड द बेस्ट पार्ट इज आई स्टार्टेड यंग, तो जो वो गलतियाँ इतनी जल्दी कर ली थी मैंने, क्योंकि दिमाग ख़राब आपका 70 की उम्र भी हो सकता है,
जब आपको अचानक सब कुछ मिल जाता बिल्कुल उसकी कोई उम्र नहीं है right. आप 50, 60, 70 आपका दिमाग कभी भी ख़राब हो सकता है लेकिन जितना जल्दी हो जाए उससे आप लड़खड़ा कर वापस आ जाए उतना अच्छा रहता है देन आई रियलाइज मैं वो रियलिटी शो ख़त्म हो गया एक दो साल बीत गए सब भूल गए सब बैक टू नॉर्मल हो गया और करना तो वही पड़ता था ना मुझे अभी भी याद है बिजली का बिल जमा कराने जा रहा हूँ कॉलेज में हूँ तो बोलते थे वो देखो वो जो टी वी पे आता है बिजली का बिल जमा करा रहा तो right. वो चीज़ें थी क्योंकि आप जिंदगी ऐसे चेंज करोगे बिल्कुल मार्केट से ब्रेड या अंडे लेने जा रहे हो तो रोडीज़ के बाद जैसे वो right. देखो रोडीज अंडे लेने आया है तो ये चीज़ें आपके दिमाग में है कि आप फेमस हो चुके हैं आप अपने अपने जहन में सेलिब्रिटी हैं लेकिन हम अक्सर फेम को सक्सेस के साथ जोड़ देते हैं वो होता नहीं है हर कोई इंसान सोचता है अगर मैं फेमस तो मैं सक्सेसफुल हूँ फेम इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस कि आप सक्सेसफुल हो गए चलिए आप फेमस हो जाते हैं आजकल फेम मिलना आसान हो जाता है सक्सेस मिलना हमेशा मुश्किल होता है वाह वाह बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने इससे पहले भी जो आपने बात कही थी अबाउट द स्ट्रगल्स कि हम उसकी कहानी भी बना सकते हैं और उसको ज़िंदगी का एक पड़ाव भी समझ सकते हैं बिल्कुल तो वंडरफुल आई मीन आई एम ह्यूजली इम्प्रेस्ड कि आप में ये ठहराव है ये गहराई है अपनी पत्नी के बारे में बताइए आई थिंक शी इज़ द बेस्ट ह्यूमन बींग आई नो इन माई लाइफ वैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा ना मिला हूँ शी इज़ अ सुपर ह्यूमन बींग मोर देन एनीथिंग एल्स और जिस तरह से वो इवॉल्व हुई है अपनी ज़िंदगी में वो कमाल है हम दोनों बहुत इवॉल्व हुए अपने रिलेशनशिप में लाइक वी वर वेरी इमेच्योर जब हमारी शादी हुई थी हम 24-25 साल के थे वो में से एक साल बड़ी हैं डेढ़ साल बड़ी हैं चंडीगढ़ में ही हो गई थी चंडीगढ़ में नहीं शादी तो बॉम्बे में आ चुका था मैं अच्छा मतलब लेकिन विकी डोर से पहले मेरी शादी हो चुकी थी वो फिजिक्स क्लास हाँ तब से वी वर डेटिंग वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करेक्ट ओके कभी भी लगता है कि अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस है क्योंकि 6 महीने तो मैं घर से बाहर ही रहता हूँ शायद वो एक रीज़न है शायद कि हम वी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग क्योंकि आप एक लॉन्गिंग रहती है आपके बीच में अब स्पेस नहीं मिलती तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है सो व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग शी वाज़ अ डिफरेंट पर्सन आई वाज़ अ डिफरेंट पर्सन मैं एक बहुत ही टिपिकल मेल शॉविनिस्ट था उस टाइम पे अच्छा मुझे इंसान उसने बनाया मतलब पहले उनको जो दर्जा देता हूँ मैं वो उन्होंने सिखाया है मुझे कि एक औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है मुझे कुछ नहीं पता था आई वॉज टू रॉ आई थिंक आई हैव बिकम अ जेंटलमैन बिकॉज ऑफ विमेन गेट अट्रैक्टेड टू मी नाउ बिकॉज ऑफ माय गॉड कि उन्होंने तो सिखाया है मुझे सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता था एक वक्त ऐसा था जब मैं बोलता था कि यार मुझे अंग्रेजी सीखनी है मेरे से मुझे सिखाओ कुछ करो तो वो कहती है ठीक है आगे से हम इंग्लिश में बात करेंगे हमारे बीच में अंग्रेजी में बात होगी अच्छा तो हमेशा मैं अटक जाता था और मुझे पहली गर्लफ्रेंड थी मेरा इस वजह से मजाक उड़ाती थी कि डोंट इवन नो इंग्लिश यू स्टडी इन सेंट जॉन्स इंग्लिश इज सो बैड तो वो मुझे जज करती थी और यहाँ पे मुझे ऐसी इंसान मिली जो मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रही है जो मुझे खुद ग्रो करने का एक एहसास है या फिर सो यार हमारी जर्नी बहुत ही अलग रही है शी यूज़ टू बी वेरी वल्नरेबल एज अ पर्सन व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग शी हैड हर ओन इनसिक्योरिटीज ऑफ बीइंग एन एक्टर्स वाइफ आई एम श्योर एंड जेलसी या कुछ भी सडनली यू नो आई एम टेक्निकली हर फर्स्ट बॉयफ्रेंड राइट एंड जब आप उनको देखते हैं कि आप सडनली स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन और आपके लिए वक्त नहीं है दुनिया के लिए वक्त है और विकी डोनर के पास ऐसा हो गया था एंड I'd recently become a father that time. और तभी मुझे सब अटेंशन मिलने लग गए वी गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज दैट टाइम शी शिफ्टेड बैक टू चंडीगढ़ वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर दैट टाइम पर धीरे धीरे हम दोनों को समझ में आ गया कि वी आर सोलमेट्स और ऐसा नहीं है कि मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई लड़कियों से इस रिलेशनशिप में आने के बाद आई वाज स्टेइंग अलोन इन दिल्ली स्टेइंग अलोन इन बॉम्बे पर उस जैसा कोई मिला ही नहीं सो आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड
वी बीन ऑलवेज बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्ती ही आपको आगे लेके जाती है. आखिरकार आपकी कंपेनियनशिप है जो आप अट्रैक्शन से बढ़कर है, जो आपकी जर्नी बिल्कुल, आपको लगता है कि हमारी इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, हमारी दोनों की साथ में जर्नी है. एंड आफ्टर केज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो आप उनके लिए भी जीते हैं और अपना आंख उनमें देखते हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, सो फैसिनेटिंग. एंड आई एम ग्लैड आई बिकेम अ यंग पेरेंट, क्योंकि आपके एक इमोशनल हॉराइजन्स खुल जाते हैं, आपकी एम्पथी बढ़ जाती है लोगों के लिए. मुझे याद है जब मैं बाप बनने वाला था, मेरा कोई भी दोस्त तब काफ़ी, तो सिंगल थे उस टाइम पे, आई वॉज 27 व्हेन आई बिकेम अ फादर, और एक्टर्स में तो कोई तब शादी भी नहीं करता है. सो मैंने अपने पापा से पूछा था, मैंने कहा पापा मेरा कोई दोस्त नहीं है जो कोई बाप हो, तो मैं किससे पूछूं कि कैसा लगता है. मेरे पापा खुद 32 या 33 की उम्र में बाप बने थे, उनकी शादी 30 की उम्र में हुई होगी, मैंने 24 में कर ली थी. सो ही वाज लाइक अच्छा लगता है जैसे तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा जीने का मकसद और बढ़ जाता है, कई चीज़ों के मायने बदल जाते हैं. बिल्कुल बदल जाते हैं. कैसी दुनिया में बड़ा हो रहा है मेरा बच्चा, सडनली क्लाइमेट चेंज बहुत रेलेवेंट लगने लगता है. एग्जैक्टली, व्हाट इज दिस वर्ल्ड दैट माय डॉटर इज गोइंग अप इन, या व्हाट विल बी द एयर शी विल ब्रीथ, यू नो, विल देयर बी मोर कॉन्फ्लिक्ट, विल शी हैव इनफ वाटर. मैं तो प्लेन्स में जाता हूँ तो पहले अगर बच्चे रो रहे होते तो इरिटेटिंग लगता था. मेरे साथ भी ऐसा ही होता था. अब मैं रुकता हूँ, टेक ऑफ करते टाइम कुछ पिला दीजिएगा, ताकि ऐसा बोलता हूँ, मैं रुक के मदर्स को बोलता हूँ, इफ शी, यू नो, पर्सपेक्टिव. मेरे साथ भी ऐसी, कभी शूट पे जा रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, पहले बच्चा कोई रो रहा था, मैं पीछे शक्लें बना रहा हूँ, यार कम ऑन यार क्या हो रहा है, कैन आई चेंज माय सीट और समथिंग लाइक दैट. राइट, ऐसा हुआ है पहले. अचानक ही पर्सपेक्टिव चेंजेस, देन यू अपना मोबाइल खोलते हैं, गेम डाउनलोड है, उनको पढ़ा देते हैं, चुप हो जाते हैं. आई हैव डन इट. सो ये ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिल जाती है. यू बिकम मोर पेशेंट ऑल्सो एज अ पर्सन. और बच्चे के नजरिए से जो आप दुनिया देखते हैं ना, वो एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत काम आती है. बिल्कुल, कि आपके अंदर का बच्चा जब तक जिंदा है तब तक आप आगे पनपते रहते हैं, खुश रहते हैं. अच्छा ही हुआ है जो हुआ है. माई डॉटर, वो 3 साल की जब थी तो एक दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, दरवाज़ा खोल के एकदम स्कूल बुलीज की तरह चलती है वो बॉडी लैंग्वेज, मुझे भी रिकॉर्डिंग करनी है, आइए. तो रिकॉर्डिंग किया, उनको पता है कि भाई वो जब वो लाल लाल चल रहा होगा तो तब वो कर रहा है. सो यू कांट फूल हर. सो शी सेड, मैं स्टोरी सुनाऊंगी. मेरा नाम है वैदेही मिश्रा. और कहानी सुनाई एक मंकी की, जिसको अपनी अम्मा से एक ड्रेस चाहिए थी और उसको कहीं जाना था और वगैरह वगैरह. द स्टोरी हैड अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड. अच्छा, दैट्स व्हाट रियली अमेज्ड मी. वाओ, मतलब वो जीन में है. और एंड में उसने वो लाइन बोली जो मैं, जो मतलब इट्स लाइक अ कल्ट लाइन, की बस इतनी सी थी ये कहानी, जो कहानी के एंड में मैं बोलता हूँ. ये कहाँ से इसने सुन लिया? शायद रेडियो पे सुना होगा कुछ. अच्छा साहब, मैंने इंजीनियर को भेजा, मैंने कहा भाई कुछ कर दे इसका. ही एडिटेड इट, पुट आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड यू नो पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू इट, एंड अडल्ट्स आल्सो, एंड सेड कि दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड टुडे टू डिस्ट्रेस माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स किड्स. एंड सो देन आई स्टार्टेड, सो शी हैज़ अ शो सिंस 3 years, एंड देन आई स्टार्टेड लॉन्चिंग अदर चिल्ड्रन स्टोरी टेलर्स to draw them away from, you know, negative content on phones and TV. So about 15 or 16 we've launched. And it will soon become a radio show. What you were saying, when you start seeing the world through children's eyes, because jo unchi mez hai, wo unke liye to banai nahi gayi thi. Agar unki height se dekhe aap, unchi mez, unche darwaze, you know, wo badi badi almariyan, jo humne apne hisab se banai, और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को शायद नहीं समझ पाए. सो हाउ हैज़, टेल मी अबाउट योर किड्स, व्हाट हैज़ पेरेंटहुड बीन लाइक? विश आई कुड डिवोट मोर टाइम टू माय किड्स. व्हाट आर देयर नेम्स? विराज, वीर एंड वरुष्का. हाउ ओल्ड आर दे? 7 and 5. ओके. एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी. वाज प्लेइंग इन द प्ले एरिया माय सन, एंड सब लोग कहते हैं कि लुक लाइक योर फादर, जस्ट लाइक आयुष्मान. एक तो उसे
बहुत खुंदक आती है यार, ये मेरे बाप को आयुष्मान के नाम से क्यों बोलते हैं, भैया अंकल ऐसा सर क्यों नहीं बोलते है? Right. मतलब छोटे बच्चे भी अच्छा अब तू आयुष्मान का बेटा ना, मतलब आयुष्मान मतलब yeah. वो हो जाता है ना राइट right, बिल्कुल तो ऐसा होता है he's seven, he realizes these things. Right. And I was like, are you happy that you look like a father and people tell you look like Aishman? I said, no. I want to have my own identity. I want to be unique. At seven? At seven. Why? I want to be unique. I don't want to be like you. Amazing. और घर पे पियानो आया था फॉर अंधाधुन, मैं अपने लेसन्स लेता था तो मुझे तो मैं जितना फिल्म में जरूरत था कर लिया. Now he has learned piano. पूरा पूरे बुक्स हैं उसके पास. He just playing his own tunes and melodies. Fascinating. Which is very fascinating. तो it's beautiful I think. जो भी ये fatherhood या parenthood होता है. And the best part is I have the energy to just be with them right. and you know spend time with them, play around with them. You're able to create that time. और ना video call तो है. वो तो है पर हाँ but वो touch नहीं है. वो नहीं है. So right. I just miss that. पर क्या करोगे? I think वो होता है. Stardom has its own. Yeah. It comes with a price tag. Hmm. So it's a little difficult. पर जो हुआ अच्छा हुआ. And a daughter. Varushka. दोनों बहुत अलग हैं. hmm. दोनों की शक्लें भी नहीं मिलती विच इज़ ग्रेट. अच्छा. मैं चाहता था दोनों अलग हों और अच्छी बात है. एक लड़का और एक लड़की है सो right. दोनों का एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव थोड़ा अच्छा मिलेगा. वेल राउंडेड होगा. या शी इज़ क्वाइट अ डीवा आई थिंक इन अ हेड शी इज़ अ प्रिंसेस. अच्छा. सो मैं तो उसे कुछ बोलता भी नहीं हूँ. लड़के को फिर भी कुछ roughly treat कर देते हैं. but with daughters you're just different. yeah. you have a different corner in your heart. in fact corner is for the son, entire heart is for the daughter. it's like that. it's like that. so daughters are very special. ये उसको नहीं दिखा सकता अपने बेटे को, मेरे को मार देगा. बिल्कुल. he'll get really jealous. yeah. that's how they are. I think पता नहीं. I'm just generalizing right now but women are more attached. yeah. They're more emotional. Their EQ is better than ours. Yeah. Emotional quotient. And that goes with the daughter specifically. Thank God I have her in my life. वो तो detach होके निकल जाएगा कहीं पे उड़ने. वो नहीं जाएगी. मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल. Just fine. वो भी चले जाए तो ऐसा नहीं है. मतलब they should fly high. Yeah. जो भी करें. You suddenly become selfless after become your parent. ऐसा होता yeah, है. Yeah. It changes you. Yes. And और उस वक्त जब मैं नहीं था पेरेंट तब मैं सोच भी नहीं सकता था मैं कि ओ मी बिकमिंग लाइक यू नो मशी लाइक दिस. थोड़ा पिलपिले आप हो जाते हैं. नहीं मैं बहुत डिटैच्ड हूँ एज अ पर्सन. फिल्मों को लेकर भी जैसे मतलब अभी एक आज फिल्म शूट की दूसरी फिल्म है वो कैरेक्टर चला गया दिमाग से. right. तो वैसे बहुत डिटैच्ड हूँ बट आई जस्ट बिकेम अटैच्ड आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट. एंड आई नेवर यूज्ड टू कॉल माय पेरेंट्स दैट ऑफन. जब मैं सिंगल था या सिर्फ मैरिड था अपने काम में इतना व्यस्त था महीना निकल जाता था बात नहीं होती थी. अब हर दो दिन बाद बात होती है. सो दैट्स द डिफरेंस. देन यू रियलाइज दैट हाउ मच योर पेरेंट्स लव यू. आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं. बिल्कुल. सो दीज आर द चेंजेस आई फेल्ट. एंड योर वाइफ हैज वेरी ब्रेवली डेल्ट विद सम हेल्थ इश्यूज. या दैट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग. इट्स वेरी इंस्पायरिंग. हंसते खेलते उसने कैंसर से लड़ लिया विच इज़ अनबिलीवेबल. किसी और के बस की बात नहीं थी. एंड इट वॉज सच अ डायकॉटमी इन लाइफ दैट आई एम गोइंग थ्रू अ करियर हाई एंड पर्सनली वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस. सो विच जस्ट शोज दैट यू नो एवरी लाइफ हैज़ अ वॉइड. वो वॉइड आपको हमेशा लेकर चलना है. कोई भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती. इम्परफेक्शंस के साथ ही खुश रहना है. दैट्स लाइफ. अगर परफेक्ट हो जाएगा जिंदगी नहीं रहेगी. अपनी मम्मी के बारे में बताइए. जी मम्मी का वैसे नाम पूनम खुराना है पर उनका असली में नाम ललिता एलवादी है. और शी वॉज बॉर्न इन बर्मा एंटिल शी वॉज इन 8th और 10th स्टैंडर्ड. शी वॉज इन मांडले इन बर्मा. सो बाय बर्मीज. शी इज हाफ बर्मीज. या शी इज हाफ बर्मीज. फैसिनेटिंग. हाँ तो मम्मी जो है वो बर्मीज फ्लुएंटली बोलती है और हिंदी फ्लुएंटली बोलती है. और मेरी हिंदी शायद इसलिए अच्छी है क्योंकि वो एम ए हिंदी है. राइट. एंड शी इज़ पैम्पर्ड यू.
She's really pampered us, both of us, me and my brother. कभी ज़्यादा डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं. She's the most simple person I have known in my life. उनको फ़र्क नहीं पड़ता अब उनको किसी लग्जरी कार में ले जाओ या रिक्शा पकड़ के चले जाएंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. उनके लिए मेरी सारी फिल्में अच्छी हैं. पापा क्रिटिकल होते हैं कि यहाँ पे तुम अच्छा कर सकते थे, अच्छा ये स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, यहाँ पे ये हो सकता था. जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. उनके लिए कि मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता तब भी प्यार वैसा ही रहता. पापा थोड़े क्रिटिकल रहते हैं, अगर मैं कुछ अचीव ना कर पाता तो उनमें जरा सा वो रहता. बिकॉज़ ही वाज वेरी एंबिशियस ऑन योर बिहाफ. या ही वाज ऑलवेज राइट. मैं थोड़ा लेट बैक था तो एंबिशन उन्होंने मुझ में डाला. आर यू रिलीजियस? आई यूज्ड टू बी रिलीजियस. Then I became an atheist. In between, now I'm spiritual. अब religion पता नहीं क्या होगा. Not in a dogmatic sense, but कोई greater power है. वो है. बिल्कुल. मैं भी ऐसे. Definitely है. बिल्कुल. अगर वो नहीं होती तो कुछ होता ही ना मुझे. दुनिया नहीं चल रही होती. दुनिया नहीं चल रही होती. सही गलत का perspective, अच्छे बुरे का perspective आपको एक वहीं से आता है. एक moral compass जो है, वहाँ से आता है कहीं से. कर्मा आपको वहां से रियलाइज होता है. तो या आई एम अ बिलीवर नाउ. राइट. जो बीच में कहीं खो दिया था मैंने. आप थोड़े से रेकलेस हो जाते हैं. तो आपको लगता है सब कुछ आसानी से मिल रहा है. और आसानी से जो मिल रहा होता है आपको लगता है मैंने किया है. और आपके अंदर मैं आ जाता है. राइट. कि देखो मैंने अपने बल पे किया है, कोई नहीं जानता था मुझे शहर के अंदर. और देखो मैंने अचीव कर लिया अपने बलबूते पे, दुनिया मुझे पूछ रही है. तब आप भूल जाते हैं कुछ भगवान ऊपर वाला कुछ है. तो आपको लगता है आपने ही दुनिया बनाई है. आप ही सब कुछ है. फिर ऑन द अदर साइड जब आपको लगता है कि पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है, वो इसी वजह से नहीं जा रहा होता है. आपके अंदर एक सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है कि मैंने खुद किया है. जिसने आपका साथ दिया है आप उसको भूल जाते हैं. राइट. तो आवर रिलेशनशिप ऑल्सो हैड these ups and downs like any other relationship. कोई खुल के इस बारे में बात नहीं करता है, but it's okay to talk about these things. Yeah. तो करियर में भी एक डिप आया था पहली फिल्म के बाद. अच्छा. फिर मुझे याद है वो शूटिंग फॉर मेरी प्यारी बिंदु, तब ताहिरा ने वो एक बुद्धिस्ट चांट है मुझे दिया था. started chanting that. I felt a certain power in me. उसके बाद started chanting. दुनिया में सब कुछ बदलता गया. इट वॉज सो मिरेक्युलस. जो मैं चाहता था, जैसे मैं चाहता था, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, एवरीथिंग वॉज गोइंग राइट. एंड ताहिरा कुड ऑल्सो डील विद कैंसर बिकॉज ऑफ दैट. नहीं तो नहीं हो पाता. बिकॉज़ द माइंड बिकेम स्ट्रॉन्गर. या सो देयर इज वन पावर फॉर श्योर. मतलब मैं आइडियल वर्शन में भी शायद इतना बिलीव नहीं करता हूँ. और कोई करता भी है तो उसे प्रॉब्लम क्या है? Fair. आपका अपना बिलीफ है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई एम वेरी ओपन लाइक दैट. मज़ार पे भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारा चले जाता हूँ, चर्च चले जाता हूँ, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करता हूँ. ये खूबसूरत बनाती हैं चीज़ें मुझे लगता है. दिवाली में बड़ा मज़ा आता है घर जाकर. तो मैं पटाखे नहीं जलाता, दिए देख कर अच्छा लगता है. जो एटमोसफेयर होता है दिवाली, अगले दिन ऐसा लगता है पता नहीं कुछ उजड़ गया जैसे. बिल्कुल. अगले दिन इतना बोरिंग लगता है दिवाली के. ईद पे मैं दोस्तों के घर चले जाता हूँ खाना खाने, या मोहम्मद अली रोड चले गए. दिल्ली में चांदनी चौक चले जाता था. लेकिन प्रारब्ध डेस्टिनी में विश्वास करते हैं? मैं करता हूँ डेस्टिनी विश्वास, पर मैं ये भी मानता हूँ कि आप अपने कर्मों से और अपनी मेहनत से डेस्टिनी बदल भी सकता है. राइट. ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. हम ह्यूमन पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम किसी को नकार भी नहीं सकते. हम खोते कौन हैं दूसरों को जज करने वाले हैं. तो यार इसका कुछ नहीं हो सकता है शहर में, ये कुछ नहीं कर सकता. ऐसा नहीं हो सकता. कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है. आप उसकी पोटेंशियल को क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? बहुतों ने मुझे क्वेश्चन किया था, आपको किया होगा. बिल्कुल. और जिस मुकाम पर पहुँच गए, मैंने खुद भी खुद सोचा तो था पहुँचने के लिए, ऑफकोर्स किसी और ने नहीं सोचा था. तो आप उसको गलत साबित नहीं कर रहे हैं, आप खुद को कुछ सही साबित कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. लेकिन हाँ, आप किसी को नकार नहीं सकते. मैं ये अभी बॉम्बे गया तो यही एक दोस्त को कह रहा था कि अगर मैं 2011 में किसी बिजनेस हेड के पास जाता और कहता कि मैं रेडियो पे प्राइम टाइम पे
गंभीर कहानियाँ सुनाऊंगा जिसमें कोई किसी की स्टीरियोटाइपिंग नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, तो मुझे भगा देता. ऑफ कोर्स, बट इट्स जस्ट बीन अ, या मगर मैं कहता कि मैं एक रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जो गांव की आवाज़ करेगा और कोई स्टीरियोटाइप नहीं करेगा गांव के बारे में, गांव कनेक्शन उसका नाम होगा, तो मुझे भगा देता. तो सो या आई मीन एब्सोल्युटली आई थिंक नहीं, वो है. अब आप चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मतलब किसने क्या सोचा था पहली फिल्म में स्पर्म डोनर बनूंगा. ये वो मेरी हर फिल्म से एक्चुअली ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स आप तो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं देखने के बाद, ट्रेलर देखने के बाद. बिल्कुल, आप जो भी नया करते हैं फ्रंट फुट पे करते हैं वो ज़रूरी है, उसके बिना कैसे होगा. पर हाँ, आई वॉज लेट बैक बट नाउ आई एम नॉट. मेरे अंदर एम्बिशन जैसे बोला पापा ने डाला है, बिल्कुल भी एम्बिशन नहीं था, नर्वस था बहुत. सडनली दैट चेंज फ्रॉम लाइक नर्वस गाय टू अ पीपल्स पर्सन, किसी ने सोचा ही नहीं था. तो आप ह्यूमन पोटेंशियल कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी के? आप दूसरों को मतलब एक परवाज़ दीजिए, यू शुड गिव विंग्स टू देम. एब्सोल्युटली, किसी को नेगेटिव नहीं कर सकते आप. बट जलते हैं किसी से? हाँ, जलते हैं किसी से. यार ये भावना है ना, शायद आप में आती जाती रहती है. right. हर एक दिन अलग होता है. एक दिन आप सोचते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप सेंट हैं, अगले दिन आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. यू थिंक दैट यू आर सो नेगेटिव. तो कोई दिन कोई लम्हा सेम नहीं होता है, चाहे वो जलन की भावना हो, प्यार की भावना हो, चाहे कुछ भी हो, वो इमोशंस आपके अंदर हमेशा चलते रहते हैं. दैट्स व्हाट मेक्स यू ह्यूमन. भगवान हो जाएंगे नहीं तो. एब्सोल्युटली यार. और जलन सिर्फ करियर को लेकर नहीं होती, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है. कि यार ये सही है यार, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, एब्सोल्युटली प्यार में इतना उफान है, मतलब रोज साथ में जाते हैं लोग, ऐसा कैसे यार मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, तो मैं हाथ में हाथ पकड़ कर क्यों नहीं जा सकता, इतना कहीं छुट्टी पे 2 महीने के लिए क्यों नहीं चले जाता मैं. right. तो जलन किसी भी चीज़ से हो सकती है. तकलीफ है कोई? एक्चुअली नहीं है, तकलीफ नहीं है. सो यू एग्ज्यूड अ वेरी पॉजिटिव पर्सोना एंड ओवरऑल आई एम पॉजिटिव. दैट्स व्हाट यू आर. या या, राइट, 100%. राइट, कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता आपको. यार कभी कभी आप ना सब कुछ सच सच बोल भी नहीं सकते. ऐसा नहीं बोल सकता मैं मुखौटा नहीं पहनना पड़ता, पर हाँ एक बात है कि मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अगर आप 24 घंटे एक्टिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट जब कट होने के बाद या पैकअप होने के बाद तो एक्टिंग करना बंद कर दो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे. तो जितना हो सके मैं मुखौटा नहीं पहनता. तो कोई भी इंसान झूठ बोल रहा है वो मुखौटा नहीं पहनता. अगर आप सच कुछ सच बोलने लग जाओगे तो दुनिया उजड़ जाएगी. आप सच नहीं बोल सकते, इतना कोशिश कर सकते हैं बस. दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है. दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हम कौन से, हम कौन से वफा की है उम्मीद, हम कौन से वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है. दिल नादान तुझे हुआ क्या है. तो वही, ये एक बहुत दिल के करीब गजल है, काफी पॉपुलर भी है, और ये यहाँ पे गा सकता हूँ. किसी जीसी के शो पे आता तो किसी को समझ नहीं आती, तो एक परफेक्ट जगह गाने के लिए. एक बहुत अंतरा काफी है, गजल काफी है. बहुत 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 शुक्रिया. कितना मजा आया आपसे बात करके.
और कितने सरल, कितने सहज हैं आप, कितने रियल हैं आप. In fact, this has been the best experience of my life. क्योंकि जितने इंटरव्यूज होते हैं, जैसे आप बोलते हैं मुखौटे, तो मुखौटा पहनना पड़ता है मेन स्ट्रीम होने का, कि लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा. पर ये वो जगह है जहाँ पर आप जो दिल के आपके करीब है बोल सकते हैं, खुल के कह सकते हैं. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for being you. Thank you so much for being you. In fact, आप inspiration हैं. जो आप दिल की कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं. हम सब बस कमर्शलाइजेशन में फंसे हुए हैं. Come on, work it out.